और नीचे माया, बदलेंगे देश और प्रदेश की काया, ये नारा दिया था उन्होंने उस टाइम पे। कार्य किया ना विकास, बहन जी के सिवा सहारनपुर में कहीं देख लो, महामायावाद देख लो, काशीराम आवाज, सारे कॉलोनी बटा के दे रखी, बेड को तहसील बना दिया, रामपुर को तहसील बना दिया, कमिश्नरी बना दी, मेडिकल कॉलेज दे दिए, महिलाओं का कोटे में इंडोर डिग्री कॉलेज दे दिया, महिला पॉलिटेक्निक दे दिया, किसने दिए? योगी ने बताओ क्या किया या उसने कुछ किया हो? योगी के बताओ ना काम, योगी का एक काम तो करा हो जी, भी तो बताओ योगी का, कोई काम नहीं किया, तीनों नाम बदला, मान्यवर काशीराम मेडिकल कॉलेज बनाया, अखिलेश ने उसका नाम मौलाना रख दिया, यो किया इन्होंने तो, ये तो बदलने के काम आ रहे हैं, नाम बदलने में और क्या करे, पुल मारा बहन जी ने करवा था, आगे उद्घाटन इन्होंने कर दिया, आगे उद्घाटन इन्होंने कर दिया। पर अखिलेश यादव कह रहे दलित हमें टंकी हो गाँव में, पहले पास हुई 2008 की, आगे इन्होंने नीम ने उद्घाटन कर दिया, मैंने टंकी दे दी गाँव में, कौन सी टंकी थी 2008 में, प्रस्ताव पास किया, सारे गाँवों का पानी खराब था, जब इसमें धरना दिया था शिमलाने में, उन्हें महाराज जी ने उस पर जो हुई थी जांच हुई थी, 2008 का पानी पास होगा, जब तेरा टंकी पास होगा, सहारनपुर में आई थी नदी किनारे किनारे गाँव के, सबका पानी खराब है, सहारनपुर के लोग मर रहे थे, सहारनपुर के लिए मायावती ने सबसे अच्छा, सबसे अच्छा सहारनपुर में कोई नहीं, किसी ने नहीं किया सहारनपुर में, सहारनपुर में हम सहारनपुर में किया सबसे अच्छा काम, अखिलेश का कोई काम नहीं है, हम बता रहे कोई काम नहीं अखिलेश का कोई काम नहीं है, लेकिन चंद्रशेखर कह रहे हैं बहन जी, चंद्रशेखर ने नाम डुबो दिया, रावण लगाओ नाम के सामी, रावण लगावे, रावण का देखा है, देखा परिवार मर गया, लोडने मर गए, सब परिवार मर गया, झुका कदी झुका देखा मुझे पीरे और मर गया, कदी राम के उनके पैनर पता भगवान मानने थे, और ये तो जाके भाई मुझे एक सीट दे देता, रो लगा वहां जाएगा अखिलेश के, दो ही सीट पर राजी हो रहा, उन्हें रावण का नाम बदनाम नहीं किया, करा नहीं रावण का नाम बदनाम, तो आप दुखी है इस घटना से? हाँ दुखी है घटना से, गलत किया, बिल्कुल गलत किया उन्होंने, वो तो एक भीम आर्मी एकता मिशन बनाकर रखता, मिशन को चलाकर रखता, जैसे किसान संगठन है, किसान संगठन ने किसान यूनियन बना रहे, राजनीति में ही नहीं, कल एक 10 दिन पहले आर्मी बना लिया, बीजा जी उसमें आगे, उन्होंने कहा मैंने बीजेपी को रोकने के लिए सब कुछ किया है, कुछ नहीं किया उसने, उसने तो युवाओं का मुकदमे करवाए, लोंडे पिटवाए, वो करवाए केस 6-6 महीने में जमानते हुए, लोंडे की युवाओं की केस आज भी लंबी थे, नौकरी लगने से पड़े मुकदमे, बहन जी मिशन से भटक गई है, कौन कह रहा है मिशन से भटक गई बहन जी, है जी चंद्रशेखर कहने से क्या हो, बहन जी का तो मिशन जूगा तू, आप देख नहीं रहे मुस्लिम मूवमेंट ही नहीं हो, बहन जी का मुस्लिम मूवमेंट भी मैं, उसका बहुजन समाज एकता का मूवमेंट है, टेलीविजन मीडिया बहन जी को बहुत कम आ रही है, कम दिखाती है जी, ये तो सबको कम दिखा रही है, और की दिखा रही है, देख ये तो अब के 200 पार है बहन जी, अब की बार 200 पार है, 200 पार तो 100% है, लिख लो, मतलब वोट देते नहीं 200 पार, वैसे हो जाए, क्यों नहीं वोट देंगे, सर्व समाज वोट दे रहे हैं, देखो सर्व समाज के लोग कितने भी, आपने वो उस आगरा की रैली देखी, आगरा गए थे देखे, सब भूख लगा के देखे, किराए की नहीं, मोदी का आग्रह, योगी ने क्या आग्रह, स्कूल बंद, आशाएं बंद, आज इसमें सबकी गांवों में है नहीं समूह वाली औरतें, महिला प्रधान नु कहता था कोई किसी को नहीं मिल जाएगा, रैली बन जाओगे स्कूल के बच्चे, आशाएं, आंगनबाड़ी सब को लेकर पहुंचा रैली में, हर पैसे दिए, ये तो पैदल चल कर कंट में चल कर आने वाली भीड़ है, ये तो बहुजन समाज की भीड़ है, ये तो बहुजन समाज की भीड़ है, ये दिल की भीड़ है, सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है हमारे यहाँ शिक्षा की प्रॉब्लम है, जब शिक्षा क्षेत्र में हमारा देश पीछे हो जाएगा तो देश का खाक तरक्की करेगा, मंदिर बनाने से थोड़ी देश चलेगा, मंदिर बनाने से देश पीछे होगा, जो लड़के हैं नए युवा लड़के हैं, वो लड़के कई सालों से तैयारी कर रहे हैं, भर्ती वगैरह पुलिस की वैसी सभी तैयारी कर रहे हैं, उस तैयारी में कभी भर्ती निकल ली, आर्मी की भर्ती निकल ली, लड़के सुसाइड कर रहे हैं, नौकरी नहीं मिल पा रही। लेकिन सर आपने बहुत अच्छी बात कही कि हमें एजुकेशन चाहिए, स्कूल चाहिए, लेकिन एक इतनी बड़ी फौज है इस देश में जो मंदिर के नाम पे वोट दे रही है, हिंदू मुस्लिम के नाम पे वोट दे रही है ना, उसकी बड़ी तादाद है ना इस देश में, तादाद तो है लेकिन मंदिर के हिसाब से थोड़े देश ऊपर बढ़ जाएगा, अमेरिका में देखो कौन मंदिर पर ध्यान दे रहा, सरकार तो एजुकेशन सब एजुकेशन में ध्यान दे रहे, अगर एजुकेशन होगी तो सरकार जब भी देश ऊपर बढ़ेगा, अब ये बताओ जो लड़के आर्मी की तैयारी कर रहे हैं, विदेशों में जातिवाद भी नहीं है, जातिवाद है ना, जातिवाद तो नेता ही ला रहे, कौन ला रहा जातिवाद, भाजपा ला रही, मुस्लिम मुसलमान बता रही, हमारे देश में जिस टाइम देश आजाद हुआ मुसलमानों ने पूरा सहयोग दिया, मुसलमानों ने सहयोग नहीं हमारे देश में पूरा सहयोग दिया उन्होंने, वे कारगिल की लड़ाई में लड़े, शहीद हुए, सारा काम करा उन्होंने, इनका पूरा अधिकार है,
इसी देश के वासी है सभी। मेरा सबसे बड़ा मुद्दा यह है, मैं सरकार ये नहीं कहता सरकार बुरी है, लेकिन शिक्षा के क्षेत्र में कोई भी लड़का एजुकेटेड मतलब सरकार बुरी एजुकेटेड के हिसाब से बुरी है। अगर एजुकेटेड पर ध्यान देगी लड़के नौकर होंगे जब तो देश ऊपर होगा। तो अच्छे काम बताइए, चलो एजुकेशन तो नहीं किया और अच्छे काम बताइए। अच्छे काम तो मैं ये कह रहा कि अच्छे काम ये है कि जो शिक्षा क्षेत्र में शुल्क होने चाहिए। भाई माल्या ये जातिवाद फैला रहे, जातिवाद तो सबसे ज्यादा यही फैला रहे, कौन फैला रहा जातिवाद? मुस्लिम कौन कह रहा मुस्लिमों को ठोकने काम किया? देवबर रैली हुई देवबर में, योगी जी ने कहा कि हमने मुजाहिदीनों को ठोकने काम किया, कहा सारा हो रहा मुमडनों पे, वे हमारे भाई नहीं है, उन्होंने बेचारों पूरा योगदान दिया हमारे देश को आजाद करवाने के लिए। जो गलत लोग अगर हम ठोकने तो गलती क्या, कौन इशारा तो पूरे मुमडनों के ऊपर हो रहा है, इशारा सभी मुमडनों के ऊपर गलत, तो चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो सबको ठोको वो ठीक है। तो यही कह रहे योगी जी गलत लोग? जी 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 ये तो कह रहे, लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम जॉब की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है हमारे यहाँ। अगर ये देखो रैली हो रही, रैली का तो कोई लॉकडाउन नहीं है, लेकिन जब जब दूसरे नेता की रैली होगा तब लॉकडाउन लगा दें। उनकी रैली में 3-3 करोड़ रुपए लगा रहे हैं, कहाँ से खर्चा आ रहा है इतना, वैसा कह रहे देश में। आप चाहते क्या है, क्या चाहते हैं? मैं चाहता हूँ कि अब की बार बीएसपी की सरकार आए। कैसे आएगी बीएसपी की सरकार? वोट देंगे हम सभी मिलकर, सभी भाई वोट देंगे, हिंदू मुस्लिम सब समाज के लोग जुड़े हैं इसके साथ। चंद्रशेखर अलग चुनाव लड़ रहे हैं अखिलेश यादव, चंद्रशेखर भाई का हम सम्मान करते हैं लेकिन हम उन्हें वोट नहीं देंगे, क्योंकि उन्होंने केवल पहले हमारे साथ वादा किया था कि मैं केवल एक संगठन बना रहा हूं, मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, लेकिन उन्हें एंड टाइम पे या तो किसी कहे से किसी के पहले पुछलाए से उन्होंने मतदान मतलब लड़ने के लिए उत्सुक हुए, लेकिन हम उन्हें वोट नहीं करेंगे। किसने किसने उनको चढ़ाया? थोड़ी पार्टी भाजपा पार्टी है, वोट काटने के लिए जिसे वोट करते मायावती का, इसलिए और क्या किया उन्होंने? हम तो ये चाहते हैं कि बीएसपी सरकार पहले से ही बहुत ही अच्छी सरकार है, उनके उनके टाइम में अधिकारी 4 बजे उठकर अपने दो बार से सरकार में नहीं आई बीएसपी, कई कारण रहे हैं, कुछ गलतफहमी भी हो जाती है। सरकार पहले के अयोगी थे, उन्हें कुछ अच्छा देखा तभी आए, अब की बार मायावती अच्छी लगी मायावती आएगी। क्या लगता है आपको दलितों ने भी बीजेपी को वोट दिए थे क्या? शायद दिया था, अच्छा ही देखकर वोट दिया था, लेकिन अब की बार दलितों का बहुत दिल दुखाया उन्होंने, अब की बार वोट नहीं मिलेगा। पार्टी को सपोर्ट करें, हमारा सबका ये कहना है बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद। ये समय रावण का नहीं होगा, 15 साल कम से कम 20 साल रावण को लेंगे इस समय आने के लिए, लेकिन इस साल इस बार बहन जी को सपोर्ट करें। बहन जी की पूर्व वो तो सरकार बना रही है यूपी में। कौन? रावण। रावण क्या सरकार बना, उसका वोट बैंक बता दीजिए आप मुझे कितना है, उसका वोट बैंक कितना है, वोट बैंक बता दीजिए। बहुजन समाज पार्टी एक ऐसी पार्टी है गरीब को, गरीब के हक में है और गरीब आदमी का सुधार करती है बहुजन समाज पार्टी। मेरा गांव सिमलाना पड़ता है देवबन विधानसभा से और हमारा इतना ध्यान रखती है बहन जी, कहते हैं उसकी सरकार खराब है, सरकार उसकी बहुत अच्छी है। इसकी सरकार में पेट्रोल 100 रुपए में पहुंचा दिया, तेल 200 रुपए पहुंचा दिया। अच्छी नहीं है सरकार ये? नहीं सरकार खराब है, सरकार ये हमारे लिए खराब सरकार। राशन ले रहे हैं 5 किलो आप? राशन कुछ नहीं दे रहे, कोई राशन रूशन कुछ नहीं है, ये सरकार खराब है। हमारी सरकार बहन जी की सरकार इतनी अच्छी सरकार है, ये सब दलाल लोग हैं, ये सब दलाल लोग हैं। बहुत बड़ी बात है सहारनपुर के अंदर, अगर किसी का खिलाफ जाए ना, सहारनपुर के दिखाई दे रहा है युवा, सहारनपुर के अंदर एक एक्सीडेंट हो जाए, एक हॉस्पिटल ऐसा नहीं है कि उसे आप क्रिटिकल स्थिति में एडमिट कर दे, फिर कहां जाते हो? फिर पीजीआई चंडीगढ़ या जोलीघाट। और बहन जी ने यहां पे पीजीआई दी, अखिलेश यादव की सरकार आई, केवल उसका नाम बदला है, केवल नाम चेंज हुआ है। और उसके बाद में योगी जी आए, क्या किया? आज भी आप जाकर के देखें स्ट्रक्चर पूरा तैयार है, कम से कम 3 किलोमीटर तक पूरा स्ट्रक्चर तैयार, बट वहां पे एक भी डॉक्टर नहीं है। मैं अपने कान का इलाज कराने गया, 15 दिन तक मुझे ऐसे धक्के खवाए, मैंने देखा यहाँ पे कोई इलाज ही नहीं होता ट्रीटमेंट सही तरीके से। तो आपको हॉस्पिटल की सुविधा चाहिए? यहाँ पे हॉस्पिटल चाहिए, यहाँ यूनिवर्सिटी चाहिए, यहाँ पे पढ़ाई चाहिए, यहाँ पे हमें 5 किलो राशन नहीं चाहिए, महीने का 5 किलो राशन नहीं चाहिए, हमें शिक्षा चाहिए, हमें रोजगार चाहिए, हम बेरोजगार है, हमें रोजगार चाहिए। जब हमें शिक्षा मिल जाएगी तो नौकरी तो हमारे पास खींच के आएगी, हम क्यों किसी के पास जाएंगे? शिक्षा चाहिए, हमें शिक्षा चाहिए, हमें यहाँ पे इलाज चाहिए। और सरकार तो मंदिर बनाने में ध्यान दे रही है जी, सरकार तो मंदिर बनाने में ध्यान दे रही है। हमें मंदिर नहीं चाहिए भाई, हम क्यों मंदिर चाहिए? पैदा हो रहे भिखारी पैदा होंगे हमारे बच्चे झोला उठाएंगे, हमें मंदिर नहीं चाहिए, हमें शिक्षा चाहिए, हमें हॉस्पिटल चाहिए, हमें यहाँ पे लड़ाई नहीं चाहिए।
हमें यहाँ भाईचारा चाहिए, हमें हिंदू मुसलमान नहीं चाहिए यहाँ पे। हमें जो सरकार हिंदू मुस्लिम करती है, बिल्कुल हिंदू मुस्लिम करती है 101%। कोई भी नेता आता है तो हमें डर दिखाया जाता है कि मुसलमान तुम्हारे ऊपर आक्रमण कर देंगे। कहाँ से हमारे ऊपर मुसलमान आक्रमण कर देंगे? 400-500 साल मुसलमानों का राज रहा यहाँ पे, तब तो हिंदू खतरे में नहीं आया। अब छोटे से लेकर बड़े तक सब हिंदू हैं, अब हिंदू खतरे में आ गए। 2014 के बाद में हिंदू खतरे में आया, उससे पहले हिंदू कभी खतरे में नहीं था। हम खतरे में नहीं थे। हमें सबसे बड़ा खतरा किस चीज से है? हमें सबसे बड़ा खतरा हमने अपने से खुद से खतरा है। हमारे जमीर को बचाना है, हमारे संविधान को बचाना है, बाबा साहब की नीतियों को बचाना है। योगी जी का कोई काम अच्छा नहीं लगा? एक काम बता, आप बता दो मुझे कौन सा काम एक है? एक काम आप बता दो मुझे, केवल हिंदू मुसलमान, केवल मंदिरों की सरकार। भाई ये बताओ, बाबा जी को पहाड़ भेजेंगे, पहाड़ भेजेंगे बाबा जी को। डबल इंजन की सरकार है, मट में बंद करेंगे। क्या करना डबल इंजन की सरकार? दोनों इंजन फैल। 2014 2017 तक आप सभी को पता BSNL टेलीकॉम मार्केट में नंबर वन कंपनी थी, सबसे ज्यादा रिवेन्यू कमाने वाली कंपनी टेलीकॉम मार्केट में BSNL थी। आज BSNL कहाँ है? 4G आज आकर के दिया, जबकि 4G 2017 में आ गया था। नाम भी नहीं उसका। आज BSNL फैल, रेलवे खत्म, पढ़ाई लिखाई के जितनी यूनिवर्सिटियां में बिक गई, रहा क्या हमारे पास में? मायावती को क्यों वोट दोगे? क्या अच्छाई नजर आती है आपको? 2007 से लेकर के 2012 तक मायावती जी की सरकार है, बहन जी की सरकार है। कितने रेप हुए हैं? 4 योजना कर चुके। आप बता दें। अपराध में कम, अपराध में कम है।